जिन्होंने बनाया उनको बुलाना चाहूँगा. सलीम भाई, सुलेमान भाई प्लीज़ आइए. सुखी भाजी रफ्तार, कहीं ट्रैफिक में अटके हुए हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे. सुखी भाजी प्लीज़. डॉक्टर सागर जे एन यू जिन्होंने ये गाना लिखा. डॉक्टर साहब बाजी बाजी बाजी. डॉक्टर सागर आइए भाई, आपने लिखा है आपका है. सो थैंक यू सलीम भाई, सुलेमान भाई, थैंक यू सुखी भाजी, है ना. दो मिनट आप गाने के बारे में कुछ बता दें तो उसके बाद हम शुरू करें. बहुत कम ऐसा होता है कि जब हम गाना बनाते तो पिक्चर से एकदम जुड़ के कोई ऐसा एक टाइटल मिलता है. अब सेटर्स इस फिल्म का टाइटल था और इसका मुद्दा तो आप अश्विनी जी से जानेंगे. तो इस गाने को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, कैसे इसका टाइटल पिक करें, कैसे इसकी लाइनें पिक करें. तो अश्विनी जी बात कर रहे थे कि यू नो ये सब इन लोगों की जो करतूतें हैं ना, बोला बस यही है, गाने का नाम ही हम करतूतें रखेंगे. बहुत यूनिक लगा मुझे जब वो कह रहे थे करतूते. अश्विनी जी ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि करतूते एक यूनिक नाम है. एंड आई थॉट करतूते करतूते काली है काली करतूते. उसके बाद सागर ने जो जलवा दिखाया वो तो वो कहेंगे खुद. बट कभी कभार ऐसा होता है कि गाना कॉम्प्लिकेटेड हम सोच के जब बनाने बैठते हैं, जब एक चीज़ मिल जाती है ना तो गाना खुद ब खुद, और जब सबकी एनर्जीज और जब सबकी नीयत सही होती है तब गाना बन जाता है. और ऐसा ही हुआ. और बिलीव इट और नॉट, गाना बनाने के पहले ही व्हेन आई थॉट अबाउट दिस लाइन करतूते करतूते काली है काली करतूते, तभी सोच लिया था कि इस गाने को सुखविंदर ही गाएंगे. मतलब करतूते काली करतूते सोचते ही सोच लिया था सुखविंदर भाजी ये कह रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स मैं आई हैव टू से दैट बहुत ही सही नीयत से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी से गाना बना. आई वांट टू थैंक राज पंडित. या कहाँ है राज? राज कम या काम कम काम राज बहुत ही टैलेंटेड लड़का है. ही इज वर्कड ऑन द अरेंजमेंट्स एंड द प्रोडक्शन और ये हमारे साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ है ये बंदा. एंड इज अ फैंटास्टिक इज अ वेरी इज अ फ्यूचर नाउ इज डूइंग अ लॉट ऑफ अमेजिंग स्टफ. तो बस सच्ची नीयत से बना है. एंड वी थॉट दैट हम लोग फिल्म से एंड फिल्म को ध्यान में रखते हुए ऐसा गाना बनाए, उसके लिरिक्स उसकी धुन जो एज अ बैकग्राउंड जब फिल्म में आए. तो कई बार लोग प्रमोशनल गाना करते हैं जो फिल्म से बिल्कुल ही नहीं जुड़ा हुआ होता है. बट मुझे मेरी ये थी ख्वाहिश कि ये फिल्म से बिल्कुल जुड़ा हुआ रहे और शायद हमने ये हासिल कर दिया 100%. सुखी भाई, सुखी भाजी मैं तो थोड़ा सा गा के ही एक्सप्रेशन दूंगा. मुझे एक जो कंटेंट है फिल्म का, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये हकीकत है. ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे कोई नहीं माइक ही है. कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जिसे इंटरेस्टिंग करने के लिए किरदार गढ़े गए हैं या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, बहुत अग्रेसिव हो जाए. ये हो रहा है और मुझे अच्छा लगा. इस तरह के जो करप्शन उसके खिलाफ सिनेमा अक्सर खड़ा होता रहा है. आई मस्ट अप्रिशिएट आर फिल्म इंडस्ट्री कि ऐसा अटेम्प्ट करते रहते हैं. मुझे अच्छा लगा कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला. और मैंने, अगर आप जब पूरा गाना सुनोगे, एक मोमेंट तो ऐसी आई कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला, इन्होंने एज इट इज उसे मिक्स किया है. एंड आई वुड लव कि आपको सुखी जब स्टूडियो आते तो पहली बात बोलते यार टाइटल सॉन्ग नहीं गवा रहा ना पिक्चर का, तो क्योंकि इतने टाइटल सॉन्ग गा चुके हैं. चक दे है, कर हल मैदान फतेह, बहुत सारे जितने भी टाइटल है, दबंग जितने भी टाइटल होते हैं वो उस सुखविंदर बोला नहीं ये टाइटल गाना नहीं है. हालांकि एक गाना ही है फिल्म में, बट इट्स लाइक अ टाइटल, बट सेटर्स वैसे नहीं है. इट्स अपने आप में एक फैंटास्टिक सॉन्ग, फैंटास्टिक और बहुत अच्छा लिखा है सागर ने, रिटन वेरी वेल. शिक्षा और रोजगार को लेकर के, जो नौकरियां हैं उनको लेकर के, जिस तरह के घपले और जिस तरह का करप्शन है उस पे ये फिल्म है. और सर ने जब सिचुएशन मुझे समझाया, पूरी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली थी, तो एक बात याद आती है. मैं नहायत कविताएं लिखता रहा हूँ. कैफी आजमी साहब कहते थे कि
ये फिल्म वाले पहले कब्र खोद देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इसी के नाप की डेड बॉडी लाश लेके आओ। तो मैं हमेशा लगातार जब से लिख रहा हूँ तब से अपनी पोइट्री कर लेता हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर धुन बनाते हैं, सर के पास सर ने करतूते शब्द दिया और उसके बाद हम बढ़ाते गए और फिर सलीम सर ने कहा कि सलीम सर का 12 बजे फ़ोन आया तो मैं 12 बजे तक सो जाता हूँ और सलीम सर की फिर शुरुआत होती है 12 बजे के बाद। मैं बोला सर अब मैं तो सो रहा हूँ, अभी लिख नहीं सकता मैं, तो फिर बोले ठीक है आप कल दिन में सो जाना। इन्होंने एक बहुत अच्छा काफिया निकाला करतूते का, बलबूते, वो बोला बस गाना बन गया। जी जी सर, तो फिर मैं दूसरे दिन सो गया दिन में और फिर जा कर के रात भर काम किया गया और ट्रैक पे मैंने लिखा ये गीत और ऑलमोस्ट पूरे गीत को ट्रैक पे मैं पहली बार लिखा हूँ। और इसके अलावा इलैया राजा के साथ काम कर रहा हूँ तो वहाँ भी 10 गाने ट्रैक पे लिए आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास मणि भाई का, बहुत शुक्रिया अश्विनी सर का, बहुत शुक्रिया सलीम सर। हाँ सलमान भाई, हम लोग जब भी फिल्म पे काम करते हैं तो पहले ये ध्यान रखते हैं कि फिल्म का माहौल क्या है, स्क्रिप्ट कैसी है, किस तरीके का माहौल है। कभी कभी ऐसे होता है कि प्यारे से गीत बनते हैं और प्यारी सी फिल्म बनती है, ये फिल्म वैसी है नहीं। दिस अ वेरी अग्रेसिव फिल्म, करप्शन एट ग्रास रूट लेवल, जो पेपर्स लीक होते हैं उसके बारे में है, और जिस तरीके की फिल्म है उस तरीके का हम कोशिश करते हैं कि म्यूज़िक आए। तो अगर आप ये गाना सुने, जितनी भी झलकी सुने आपने, आपने नोटिस किया होगा कि गाना काफ़ी अग्रेसिव है और फिल्म बड़ी हाई पेस्ड है, तो उसके हिसाब से जब गाना फिल्म में बैठता है तो इस तरीके से बैठता है कि भाई बहन है। और जब भी हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जब काम करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट पर काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल करने का चांस मिलता है और उस एक्सपेरिमेंट को मेन फ्रेम में कैसे ले आए, जैसे पॉपुलर गाना बनाएं जो थोड़ा सा हटके हो। लास्ट टाइम मुझे लगता है जब हमने ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था वो एवे एवे में किया था और वो सबको लग रहा था कि इतना अलग गाना है कैसे हिट होगा, मगर गाने ऐसे ही बनते हैं। यू कैन नॉट मेक अ सॉन्ग विच इज वेरी रेगुलर और बोले कि यार ये तो हिट हो जाएगा, नहीं, गाना अलग बनाते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है और एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है फिल्म के लिए। तो हम ऐसे कोशिश करते रहते हैं एंड थैंक्स टू अश्विनी जी एक्चुअली फॉर लेटिंग अस एक्सपेरिमेंट एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट। थैंक यू सुमन भाई। मैं अपनी कास्ट एक बार इंट्रोड्यूस कर दूँ, उसके बाद हम सुखी बाजू को लाइव सुनेंगे। आफ्ताब श्याज प्लीज आइए। आफ्ताब, पवन भाई, वन एक्टर विद होम आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, थैंक यू पवन भाई, थैंक यू। ईशिता, सोनाली, जमील भाई, अनिल, चरणजीत, बहुत खूबसूरत एक्टर हैं, आइए। नीरज सूद, काफी, विजय राज नहीं है आज शूट पे हैं, नीरज सूद, अतुल तिवारी जी, अतुल भाई आइए, भारद्वाज जी, संजय जी आइए, और कोई और एक्टर जो बाद में आ गए और मैंने ना देखा हो प्लीज एक बार आ जाएं। परितोष नहीं है, पंकज जा हैं, पंकज, अरे जाजी आइए ना, कहाँ रह गए भाई। सो ये कास्ट है। आई लाइक टू कॉल माय प्रोड्यूसर्स विकास मणि, नरेंद्र हीरावत जी, आइए आइए प्लीज। साजिद भाई आ गए हैं क्या, सिन सिटी, साजिद भाई, साजिद भाई कहाँ है, साजिद सर, साजिद सर प्लीज, द होस्ट ऑफ द इवनिंग, हमारे बड़े भाई साजिद कुरैशी, वो साइड में रख दे, एक नंबर।
साहिद भाई प्लीज आ जाइए. श्रेयांस, श्रेयांस कहाँ है? श्रेयांस आइए प्लीज. साजिद सर एक बार तो आना पड़ेगा आपको, आइए ना प्लीज. और जो जिनकी सपोर्ट के बिना हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज नहीं कर पाते हैं और जो हमेशा हमारी सपोर्ट करते हैं, ब्राइट से योगेश लखानी जी. योगेश भाई आइए ना. साहिद भाई और तीन लोग हैं जो जिनकी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा रही हैं. मैं एक मिनट लिए चाहूंगा. सुधीर भाई एक बार आप, बबलू जी, अनुभव भाई प्लीज एक बार आ जाएं. सुधीर भाई प्लीज. थैंक यू सुधीर भाई फॉर कमिंग. जय श्री राम. बबलू जी, सो एक फोटो अपना. साजिद भाई प्लीज आ जाएं, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं हमारे साथ. कहाँ है साजिद सर? कुमुद कोई ढूंढ के लाओ ना साजिद भाई को. ओके बाय द टाइम ही कम्स. नहीं मतलब ऑल द बेस्ट. वो कई लोग होते हैं जो चीफ गेस्ट लायक होते हैं. मैं अपने आप को कभी समझा नहीं. अब नई फिल्म बनाने जा रहा हूँ तो बहुत डर लग रहा है. सो ये सब बच्चे हम लोग के सामने शुरू हुए, फिर अब बड़े हो गए हैं. और एक ज़माने में हम इंस्पायर करते थे, अब ये इंस्पायर करते हैं. पवन मल्होत्रा एंड आई गो बैक अ रियली लॉन्ग वे. वी कांट टेल यू हाउ लॉन्ग बैक. अतुल एंड आई, अतुल इज माय यंगर ब्रदर. सो देयर्स अ लॉट ऑफ पीपल हियर. सुकी पाजी इज अ यू नो legend. Baji is a legend. Yes. So I mean, there's so many huge people here that Pankaj I've worked with. Or thank you so much, Aftab. You know, wonderful. Huzur, kaise hain? Sab theek thaak. Thank you so much for making this film. And it's such an important subject. I wish you all the best. Jayanti bhai, aa gaye hain. Jayanti bhai, please Jayanti bhai, aa jaiye agar aap meri awaaz sun rahe hain to. थैंक यू जयंती भाई, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू भाई. जयंती भाई के बगैर तो कुछ मुमकिन है नहीं. साहिद भाई अगर आप आ जाएं तो उसके बाद हम लोग लाइव शुरू कर लें. और मेरे साहिद भाई इधर ही. हाँ बट एक बार तो आना चाहिए साहिद भाई. आफ्ताब आप कुछ बोलेंगे इतनी देर, आइए ना. अरे आइए आइए, एक मिनट बोल दीजिए फिर हम लाइव सुनते हैं. आइए आइए आफ्ताब. हाँ इसके श्रेयस भाई भी बोलेंगे. गुड इवनिंग टू ऑल द अमेजिंग पर्सनालिटीज ऑन द स्टेज. वेरी गुड इवनिंग. इट्स अ वेरी स्पेशल इवनिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं टू सी आवर ब्यूटीफुल चाइल्ड, आवर ब्यूटीफुल बेबी कॉल्ड सेटर्स. एंड I'm sure everybody on the stage is very proud to be associated with Setters, just as me. And I hope that everybody has a wonderful evening. We worked very hard on this film, as you can see. And we have our fingers crossed for the 3rd of May, of course, with your best wishes and love. I think we can rock this film. Thank you so much for coming here. Have an amazing evening. Cheers. Ashwini sir, Aftab, sab bol chuke hain. तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप ढेर सारा प्यार दीजिए इस फिल्म को, ढेर सारी दुआएं दीजिए. एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड थ्रू द मीडिया ऑल द ऑडियंस हु हैज़ बीन गिविंग सच पॉजिटिव रिस्पांस टू द ट्रेलर. मैं वाकई में दुआ करूँगा कि यार ये गाना भी अच्छा खासा हिट हो जाए. सलीम सुलेमान कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं तो सलीम सुलेमान ऑफकोर्स सब बोल चुके हैं, हमारा रिलेशन, मेरा भी इकबाल से इनके साथ रिलेशन है. तो उम्मीदें हंसे दिल की.
ऐसा लगता है शायद अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं बढ़िया सलीम गाने लग गया तेरे को पड़ गया बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सुखी पाजी फॉर मेकिंग दिस सॉन्ग लेजेंडरी फॉर अच्छा सब्जेक्ट है हमारे प्रोड्यूसर जो है वो जिस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको इस सब्जेक्ट के बारे में अंदर तक पता था जो हमें तो खैर स्क्रिप्ट के बाद ही मालूम पड़ा कि इस तरह भी होता है और थैंक यू टू द होल टीम हमारे डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर साहब इस तरह की फिल्म बनाई है और हमें हिस्सा बनाया मुझे लगता है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है तो प्लीज़ सपोर्ट दिस फिल्म इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सपोर्ट दिस थैंक यू सो मच और जितने भी लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हाँ एंड में जिन्होंने चेक पे साइन करने हैं वो प्रोड्यूसर्स दो दो शब्द बोलेंगे विकास मनी सबकी ब्लेसिंग चाहूँगा एज ए प्रोड्यूसर मेरी पहली जर्नी है और जिस जगह से मैं आया हूँ मेरे कुछ फ्रेंड आए हुए हैं बचपन के मेरे फ्रेंड होंगे चाइल्डहुड फ्रेंड उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग मटेरियल है कि क्या कर दिया तूने एक आईटी प्रोफेशनल जिसने आईटी कंपनी चला के आज प्रोड्यूसर हूँ और आपकी ब्लेसिंग चाहिए मेरी पहली मूवी है और जितना हो सकता है मुझे सारे क्रू मेंबर का सपोर्ट मिला अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का भी सपोर्ट मिले और थर्ड मे को जितना से ज़्यादा हो सब लोग मूवी देखें कि एज ए प्रोड्यूसर धंधा अल्टीमेटली धंधा है नरेंद्र हीरा जी It's a very good content movie and I believe all will like it or we require your all support from media. Thank you very much. Thank you, Raftaar is still stuck in, but Sukhi Bhaji, hum aapko sunna chahenge live, Salim Salman. All yours. Photo, photo, sir. Ek minute, ek photo, photo, photo. Okay. अरे हीरोइन से आगे आइए भाई उनके बिना छपेगा नहीं इशिता सोनाली प्लीज आप लोग आगे आ जाएं Waiting for the summer, no.
So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go, 'cause I